हेलो, दिस इज नेहा शिरपाते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रास केमिस्ट्री। आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना कैसे है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए चार रूल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो रूल अगर हम फॉलो करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 100% आप कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो मैंने कल इसके पहले के वीडियो में जो आपको ऑर्बिटल्स बताए थे, देर आर फोर टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, दैट इज एस पी डी एंड एफ। तो एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पी ऑर्बिटल में 6, डी में 10 एंड एफ में 14। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो अब हमें देखना है कि ये एस ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों रहते हैं, पी ऑर्बिटल में 6 ही इलेक्ट्रॉन क्यों रहते हैं और वो कैसे प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली डी एंड एफ में भी वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, ये पहले हम देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से रूल हैं जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड है। तो सबसे पहले जो एस ऑर्बिटल होता है, जैसे एस ऑर्बिटल मैंने बताया था स्फेरिकल शेप का होता है, तो एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रह सकते हैं। वो रहते हैं ऐसे, 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक अपवर्ड डायरेक्शन एक डाउनवर्ड डायरेक्शन। सेकंड है पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल जो है वो पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ऐसे 3 एक्सिस पर ये प्रेजेंट होते हैं जो कि डंबल शेप के होते हैं, और इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ये ऐसे प्रेजेंट रह सकते हैं। सो इसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग करने की जो कैपेसिटी है दैट इज 6। डी ऑर्बिटल में अगर हम देखते हैं, डी ऑर्बिटल डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ऐसे 5 पार्ट्स में 5 एक्सिस पर ये प्रेजेंट होते हैं जिसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। सो डी ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कैपेसिटी है दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड एफ ऑर्बिटल जो है इसकी रहेगी 14 इलेक्ट्रॉन्स। सो इसमें रहेंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वेरियस ऑर्बिटल्स में वेरियस नंबर से प्रेजेंट रहते हैं, बट ये फिक्स नंबर है। लाइक एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी ऑर्बिटल में 6, डी में 10 एंड एफ ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो अगर आप देखते हो यहाँ पर एक, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो एक जो है वो अपवर्ड स्पिन, नेक्स्ट जो है वो डाउनवर्ड स्पिन से प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें एलिमेंट्स का लिखना कैसे है। 12th में अगर हम देखते हैं, बेसिक सभी स्टूडेंट को फर्स्ट 30 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना ज़रूरी है। वैसे तो सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए, बट हम देखते हैं पहले फर्स्ट 30 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें कैसे करना है। फर्स्ट 30 एलिमेंट्स में जो क्रोमियम है और कॉपर है, 24 एंड 29 नंबर का जो ये एलिमेंट है, ये 2 एलिमेंट जो है ये एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि हमें कैसे लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो फर्स्ट रूल ऑफ राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, हम देखेंगे सबसे पहले हंट्स रूल। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में हमें ये बताया गया है कि जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो हमेशा अपोजिट स्पिन से प्रेजेंट तो होते ही हैं, बट वो कैसे प्रेजेंट रहते हैं, अगर मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर है तो वो कैसे प्रेजेंट रहेंगे देखो। जैसे एस ऑर्बिटल है, हम देख रहे हैं हंट्स रूल, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अगर एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करने हैं तो हम सिंपली ऐसे फिल करेंगे। पी ऑर्बिटल में अगर मान लो, पी ऑर्बिटल में मैंने आपको इलेक्ट्रॉन दिए 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के लिए नहीं, तो आप कैसे फिल करोगे, 1 2 3 4 5, ये एक पॉसिबिलिटी है। सेकंड पॉसिबिलिटी इज, आप दूसरी तरीके से कैसे फिल कर सकते हो, पहले आप पेयर कर लो और फिर ऐसे, ये 2 पॉसिबिलिटी हैं, बट
दोनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी करेक्ट है? मैं आपको और एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमें पी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो आप कैसे फिल करोगे? फर्स्ट पॉसिबिलिटी कि आप 4 इलेक्ट्रॉन पहले हर एक इसमें आप सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करोगे और देन पेयरिंग। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज कि आप पहले ही पेयरिंग कर लो। ऐसे दो तरीके से आप 4 इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल या फिर डी या फिर एफ ऑर्बिटल में ऐसे डिफरेंट कॉन्फिगरेशन से फील कर सकते हो। बट विच वन इज़ करेक्ट? अगर हम देखते हैं इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है, तो ये जो फर्स्ट वाला है, ये कॉन्फिगरेशन फील करने के, इलेक्ट्रॉन फील करने का जो तरीका है वो करेक्ट है। वेल, सेकेंड जो हमने सिचुएशन यहाँ पर बताई है, दैट इज़ इनकरेक्ट। वाई सच हैपन? क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज़ रूल, हर्ट्ज़ रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में हमें ये बताया गया है कि पहले इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल में सिंगली फिल्ड होगा और फिर उसका पेयरिंग होगा। यहाँ पर हमने क्या किया है, पहले ही पेयरिंग कर दिया है, इसलिए ये जो पॉसिबिलिटी है ये रॉन्ग है। करेक्ट वे, फर्स्ट आपको सिंगली फिल करना है इलेक्ट्रॉन एंड देन पेयरिंग करना है। नेक्स्ट जो रूल है, ये फर्स्ट रूल है। नेक्स्ट रूल जो है वो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में हमें ये बताया गया है कि अगर एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वो कभी सेम स्पिन से प्रेजेंट नहीं रहेंगे, वो हमेशा अपोजिट स्पिन में ही प्रेजेंट रहेंगे। मान लो ये एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल में हमें फील करने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फील करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें फील करने हैं तो हम कैसे फील करेंगे? एक तो दोनों हम अपर डायरेक्शन में करेंगे, अदरवाइज दोनों हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज कि एक तो हम अपवर्ड डायरेक्शन में कर सकते हैं या फिर एक डाउनवर्ड। सो हमारे पास पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के लिए दो पॉसिबिलिटी है, एक्चुअली 3 पॉसिबिलिटी है अगर हमें 2 इलेक्ट्रॉन फील करने हैं। तो एक तो दोनों इलेक्ट्रॉन हम दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में शो कर सकते हैं, या फिर दोनों डाउनवर्ड, या फिर एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, अगर हमें ये एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फील करने हैं तो। सो करेक्ट क्या है? ये करेक्ट है सेकेंड या फिर थर्ड? तो करेक्ट मेथड ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन इज दिस थर्ड वन। अगर कोई भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वो हमेशा अपोजिट स्पिन से रह गए, ना कि ये स्पिन सेम स्पिन में ऐसे नहीं प्रेजेंट रह गए, हमेशा अपोजिट स्पिन से रह गए। तो ये हमें कौन से रूल में बताया है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में हमें ये रूल में हमें बताया गया है। अब नेक्स्ट जो थर्ड और इम्पॉर्टेंट रूल है वो है अबाव प्रिंसिपल। बट उसके पहले हम देखेंगे एक स्टेबिलिटी रूल है। स्टेबिलिटी रूल में हमें ये बताते हैं कि अगर कोई भी ऑर्बिटल, स्टेबिलिटी जो नेक्स्ट रूल है, स्टेबिलिटी रूल में हमें ये बताते हैं कि अगर कोई भी ऑर्बिटल वैकेंट है, वैकेंट यानी कि खाली, एम्प्टी, या फिर वो हाफ फिल्ड है या फिर वो कंप्लीटली फिल्ड है, तो वो सबसे स्टेबल कंडीशन में होता है। ठीक है, स्टेबिलिटी रूल में हमें क्या बताया गया है? अगर कोई ऑर्बिटल वैकेंट है, हाफ फिल्ड है या फिर कंप्लीटली फिल्ड है, सो देन इट इज इन मोस्ट स्टेबल कंडीशन। तो होता क्या है? वैकेंट मीन्स एम्प्टी। अब कोई भी ऑर्बिटल एम्प्टी है, मतलब ये एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, अगर ये डी ऑर्बिटल है, एम्प्टी स्टेट में है। हाफ फिल्ड का मीनिंग क्या है? एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 2, 2 के हाफ 1। तो अगर कोई एस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये हाफ फिल्ड रहेगा। पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कैपेसिटी कितनी है? 6 इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब इसके हाफ कितने हो गए? 6 के 3। मीन्स अगर पी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये हो गया हाफ फिल्ड। डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, आपको पता है। सो डी ऑर्बिटल के हाफ फिल कितने हो जाएंगे? 10 के हाफ 5। दैट मीन्स ऐसी कंडीशन। तो अगर कोई भी ऑर्बिटल एस पी डी एफ ऑर्बिटल में से कोई भी ऑर्बिटल में अगर हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, फिर भी वो स्टेबल कंडीशन में रहेगा। सिमिलरली अगर कंप्लीटली फिल्ड है, मतलब एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स है,
तो ये सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रहेगा वो सब स्टेबल कंडीशन में रहेगा। तो इससे हमें पता चलता है, ये आज हमने जो ये तीन रूल देखे हैं, फर्स्ट वन इज़ हर्ट्ज़ रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जिसमें हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन को कैसे अरेंज करना है ऑर्बिटल्स में, पहले सिंगली फिल करना है एंड देन पेयरिंग। सेकेंड रूल पॉलीज़ एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में हमने ये पढ़ा कि जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रेजेंट एक ही ऑर्बिटल में, वो हमेशा अपोजिट स्पिन से प्रेजेंट रह गए। कैसे रह गए? अपोजिट स्पिन से। एंड नेक्स्ट रूल इज स्टेबिलिटी रूल। स्टेबिलिटी रूल में हमने क्या पढ़ा है कि स्टेबिलिटी रूल जो है ये हमें ये बताता है, अगर कोई ऑर्बिटल वैकेंट है, हाफ फिल्ड है या फिर कम्प्लीटली फिल्ड है, देन इट इज़ इन मोस्ट स्टेबल कंडीशन। और सबसे जो लास्ट रूल है इसका, वो है अबाव प्रिंसिपल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑर्बिटल्स में अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर अरेंज होते हैं। तो ये हम एक उसकी जो डायग्राम है वो देख के मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो लेट्स सी नेक्स्ट रूल, दैट इज अबाव प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल एटॉमिक एनर्जी जो है, ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाई गई है। और जैसे कि हम पढ़ाई करते वक्त सबसे पहले हम लोअर स्टैंडर्ड में रहते हैं, फिर हाइयर क्लासेस में बढ़ते जाते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन अगर फील करते हैं हम कोई उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले लोअर एनर्जी लेवल में एंटर होता है, फिर हाइयर एनर्जी लेवल में वो धीरे धीरे उसे फील किया जाता है। तो लोअर एनर्जी लेवल कौन सा रहेगा, हाइयर एनर्जी लेवल कौन सा रहेगा, इसके लिए मैंने आपको कल एक डायग्राम बताई थी इसके प्रीवियस वीडियो में, कि ये जो एटम होता है इसमें न्यूक्लियस है ये प्रेजेंट सेंट्रली, न्यूक्लियस के अराउंड हमने ऐसे डिफरेंट शेल्स देखे थे। तो ये न्यूक्लियस से जो क्लोज रहेगा शेल, न्यूक्लियस के पास जो सबसे करीब जो शेल रहेगा, वो शेल जो है उसे हम लोअर एनर्जी लेवल कहेंगे, और जो न्यूक्लियस से दूर रहेगा उसमें एनर्जी लेवल जो रहेगी वो कैसे रहेगी, हाई एनर्जी लेवल रहेगी। तो जो न्यूक्लियस के पास रहेगा उसकी जो एनर्जी रहेगी, एनर्जी लेवल है उसकी लो रहेगी। अब हम देखते हैं इसके एग्जैक्ट डायग्राम। अबाउ प्रिंसिपल में सबसे पहले बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में और वीडियोस में ये डायग्राम अप टू डाउन भी दी है, बट मैं आपको डाउन टू अप बताऊंगी, दैट विल बी मोर इजियर। सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं लिखूंगी 1s, फिर 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s एंड सो ऑन। 1s, 2s ये फर्स्ट शेल हो गया। सेकेंड शेल में दो ऑर्बिटल्स रहते हैं 2s एंड 2p। थर्ड इसमें तीन ऑर्बिटल्स रहते हैं 3s, 3p, 3d। फोर्थ इसमें चार ऑर्बिटल रहते हैं 4s, 4p, 4d एंड 4f। 5s फिफ्थ शेल में 5s, 5p, 5d, 5f। अब ऐसा आपको सोचना नहीं है कि ये फिफ्थ शेल है, फिफ्थ ऑर्बिट है, मतलब इसमें फाइव ऑर्बिटल्स रहे, दैट विल बी रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज देर आर ओनली फोर टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, दैट इज sp, df, hence यहाँ पर 5s है, 5p, 5d एंड 5f है। सिमिलरली सिक्स शेल में भी वैसा ही रहेगा, 6s, 6p, 6d एंड 6f एंड सो ऑन। सेवन्थ इसमें भी वैसे ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो हर एक इसमें प्रेजेंट रहते हैं, जो एलिमेंट का उसका एटॉमिक रहेगा, एटॉमिक नंबर रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल्स में फिल करके उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो लोअर एनर्जी लेवल किसकी रहेगी, जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे करीब रहेगा। अब हम यहाँ पर एक ईजी वे में आपको समझना चाहिए इसके लिए मैं और एक डायग्राम बनाती हूँ, बट उसके पहले आप देख लीजिए, ये डायग्राम बहुत ईजी है, आप इजीली बना सकते हो। कैसे लिखना है देखो,
न्यूक्लियस है यहाँ पर, न्यूक्लियस के अराउंड जो फर्स्ट शेल है उसे हम कहेंगे एन इक्वल टू वन, या फिर इट इज के शेल। फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, कौन सा? 1s ऑर्बिटल। सेकेंड शेल अगर हम ड्रॉ करते हैं तो सेकेंड शेल में दो टाइप के ऑर्बिटल रह गए, विच आर दे? 2s एंड 2p। थर्ड इसमें अगर हम देखते हैं, इसमें तीन ऑर्बिटल्स रह गए, 3s, 3p एंड 3d। फोर्थ शेल है, फोर्थ शेल में कितने रह गए? चार। कौन से? 4s, 4p, 4d एंड 4f। ये डायग्राम जो है अबव प्रिंसिपल की डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बहुत ज़्यादा इजी रहेगी आपको समझने के लिए। नेक्स्ट फिफ्थ जो ऑर्बिटल रहेगा, अब देखो फर्स्ट है इसलिए इसमें वन ही है, सेकेंड है इसलिए इसलिए टू ऑर्बिटल्स है, थर्ड शेल है इसलिए थ्री ऑर्बिटल्स है, ऐसा इसका कोई कनेक्शन नहीं है। एक्चुअली फर्स्ट इसमें वन ही रहता है, सेकेंड इसमें टू, थर्ड इसमें थ्री, फोर्थ इसमें फोर, फिफ्थ इसमें फाइव नहीं रहेगा। फिफ्थ इसमें कितने रहेंगे? ओनली फोर, बिकॉज देयर आर ओनली फोर टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, दैट इज एस, पी, डी एंड एफ। दैट्स वाई अब सिक्स में भी 6s, 6p, 6d, 6f, सेवन में भी 7s, 7p, 7d एंड 7f, इस तरीके से ऑर्बिटल्स जो है वो प्रेजेंट रहेंगे एटम में। तो ये देखो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, न्यूक्लियस के करीब जो सबसे फर्स्ट शेल है जिसको हमने n इक्वल टू वन कहा है, या फिर इसको हम के शेल भी कह सकते हैं, तो इसमें सिर्फ 1s ऑर्बिटल है जो कि न्यूक्लियस के करीब है। सो इसकी जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम रहेगी। फिर जैसे जैसे न्यूक्लियस से ये ऑर्बिटल्स का डिस्टेंस जो है वो जैसे जैसे डिस्टेंस ये बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे उसकी एनर्जी लेवल भी बढ़ती जाएगी। मतलब इसका डिस्टेंस कम है न्यूक्लियस से, सो इसकी एनर्जी लेवल रहेगी लो, यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ रहा है सो इसकी एनर्जी लेवल जो रहेगी वो कैसी रहेगी? हाई। सो अगर हम देखते हैं, देखो अबाउ प्रिंसिपल, अबाउ प्रिंसिपल में हमें क्या बताया गया है? सबसे लो एनर्जी लेवल किसका है? 1s, बिकॉज दिस इज क्लोजर टू न्यूक्लियस, 1s। सेकेंड शेल में क्या है? देखो 2s 2p, दैट्स वाई 2s 2p। नेक्स्ट थर्ड इसमें 3s 3p 3d, 3s 3p 3d, फोर्थ 4s 4p 4d 4f, यहाँ पर वैसे ही ड्रॉ किया है, 5s, 5p, 5d, 5f है सिमिलर। सो वैसे ही सभी ऑर्बिटल्स जितने इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए जगह लगेगी वैसे हमें लिखते जाना है। अब देखते हैं सबसे लोएस्ट एनर्जी किसकी रहेगी? 1s ऑर्बिटल की। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस के करीब है। सो 1s ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाएगा। अब s ऑर्बिटल है मतलब उसमें दो इलेक्ट्रॉन रह गए। जब ये ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन फीड हो जाएंगे तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 2s में। क्यों? क्योंकि 1s से 2s की एनर्जी ज़्यादा है, या फिर आप कह सकते हैं 2s से 1s की कम है, इसलिए 1s फील होने के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर होगा? 2s में। 2s फील होने के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 2p में। 2p के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 3s। 3s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 3p। 3p के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहिए? 3d। बट अगर हम देखते हैं 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में नहीं जाता है, हम देखते हैं कैसे। देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एंटर होगा 1s में, 1s के बाद 2s में जाएगा, ये पहले तो आपको सिंगल ही लेना है, फिर 2p, 3s, देन 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, और इस तरीके से सभी एनर्जी लेवल जो है वो आप लिख सकते हो। सो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पर बताती हूँ, सो क्या रहेगा? 1s के बाद क्या आता है इलेक्ट्रॉन? 2s, यहाँ पर भी करेक्ट है, 1s के बाद 2s, 2s के बाद जाएगा 2p में, 2p फिल होने के बाद कम्प्लीटली हो जाएगा 3s में, 3s के बाद जाना चाहिए 3p में, तो 3p में ही गया है। अब 3p के बाद कहाँ जाना चाहिए था इलेक्ट्रॉन? 3d में। बट अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम 3p के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर हो रहा है? 4s में। 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में जाना चाहिए था, बट वो कहाँ जा रहा है? 4s में। ऐसा क्यों हो रहा है?
बिकॉज 4s की जो एनर्जी लेवल है, इसकी जो एनर्जी लेवल है ये 3d से कम है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो लोअर एनर्जी लेवल है वो पहले फिल हो गए, उसके बाद हाइयर एनर्जी लेवल फिल हो गए। इसलिए यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन कहा जा रहा है 4s में, और देन फिर वो जाएगा 3d में, बाद में वो इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा। सो 4s के बाद जाएगा 3d, 3d के बाद जाएगा 4p, 3d के बाद हो जाएगा 4p, 4p के बाद 5s, 4d, 5p, 6s, इसी तरीके से इसका सीक्वेंस रहेगा। सो आपको ये फॉलो करने से अच्छा ये डायग्राम अगर आप फॉलो करेंगे तो इजीली आपको सीक्वेंस मिल जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल। यहाँ पर लोअर एनर्जी लेवल टू हाइयर एनर्जी लेवल, इससे भी ज़्यादा अगर ऑर्बिटल्स है तो उसकी आप हाइयर एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये सीक्वेंस रहेगा, मैं आपको इसका शॉर्ट में एक सीक्वेंस बताती हूँ आपको कैसे लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल इज 1s, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, 1s के बाद 2s, सो कॉमा करके लिखेंगे हम 2s, 2s के बाद जाएगा 2p में, 2p के बाद जा रहा है वो 3s, 3s के बाद अगेन ये जा रहा है 3p में, 3p के बाद 4s, 4s के बाद जा रहा है 3d, 3d के बाद 4p, 5s, 4d, इस तरीके से हम ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी लेवल्स जो है वो ऑर्बिटल्स के दिए गए हैं। अब इसके ऊपर से हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे? तो देखो सबसे पहले अगर फर्स्ट एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल का, कौन सा है फर्स्ट एलिमेंट? फर्स्ट एलिमेंट इज, यस फर्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन का अगर हम एटॉमिक नंबर देखते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, इसका मतलब उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा? 1s1, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। अब हम ये डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं, 1s1 मतलब जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है उसके बाद का जो फर्स्ट शेल है उसमें 1s ऑर्बिटल है और जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो हम लिखते वक्त अगर हमें इलेक्ट्रॉन शो करके लिखना है तो हम 1s में ऐसा 1 इलेक्ट्रॉन शो करेंगे, ये रहेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकेंड जो एलिमेंट है वो कौन सा है? हीलियम। इसका एटॉमिक नंबर है 2 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2। कैसे लिखेंगे हम 1s2? 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। देखो यहाँ पर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट स्पिन से फिल किए हैं, जो ये मैंने पहले के रूल में एक्सप्लेन किया है। कौन से रूल में बताया था ये मैंने? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में, कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स विल प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल विद द सेम स्पिन, दे ऑलवेज प्रेजेंट इन अपोजिट स्पिन। तो यहाँ पर ये दोनों अपोजिट स्पिन में प्रेजेंट है। अब अपोजिट स्पिन में ही क्यों प्रेजेंट रहते हैं? क्योंकि ये दोनों जब अपोजिट स्पिन में प्रेजेंट है तो वो स्टेबल कंडीशन में रहता है, क्योंकि इसके चार्जेस प्लस ऑफ माइनस ऑफ न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर है 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 एंड 2s1। अब देखो मैंने 2s1 क्यों लिखा है, 1s2 ही क्यों लिखा, 1s3 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसके पहले जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम 10 एंड एफ में मैक्सिमम 14, इसके ऊपर इसमें इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकते। इसलिए देखो मैंने यहाँ पर 1s3 नहीं लिखा है, क्योंकि एस ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका 1s ऑर्बिटल फिल हो गया है, इसलिए अब ये हाइयर एनर्जी लेवल में जाएगा। सो 1s के बाद आएगा 2s, इसलिए इसमें 2s में 1 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है बेरिलियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 4, एटॉमिक नंबर 4 है, सो 1s2, 2s2। देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, पहले हमने ये एनर्जी लेवल में कंप्लीट फील कर दिए, उसके बाद ये एनर्जी लेवल में हमने कंप्लीटली फील कर दिया है। तो इस तरीके से हम बोरॉन,
कार्बन, नाइट्रोजन जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ऐसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। इसका और एक तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, होप आपको ये समझ में आया। मैं फिर भी आपको दो तीन एग्जांपल और देती हूँ इसके। मैं आपको नाइट्रोजन का एक एग्जांपल देती हूँ। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर जो है वो है 7, 1s2, 2s2, 2p3। अब ये कैसे लिखना है? सो s ऑर्बिटल है मतलब दो ही इलेक्ट्रॉन रह गए, यहाँ पर भी s ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल है मतलब ये px py pz में डिवाइड होगा। देखो ये 1s ऑर्बिटल, 2s, 2px, 2py, 2pz, तीन पार्ट में ये डिवाइड हुआ है, तीन एक्सिस पर इसके ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसलिए 7 इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करना है। तो कैसे करेंगे? s ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 ऑर्बिटल सेकंड 2s ऑर्बिटल मैक्सिमम कंटेनिंग जो है इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कैपेसिटी वो है 2, इसलिए यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब नेक्स्ट कितने हो गए फिल? 4, हमें कितने फिल करने हैं? 7, और हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करने हैं तो हम कैसे करेंगे? मून्स रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे। पहले हम इसे सिंगली फिल करेंगे, ठीक है? अगर हम काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, ये रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन का। आप ऐसे भी लिख सकते हो 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। एक तो आप ये कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो या फिर ये, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट और एक मैं आपको बताती हूँ, जैसे है नियॉन है, नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10। कैसा लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 पहले, फिर उसमें उसके बाद आएगा 2s, 2s के बाद आएगा 2p, 2p के बाद आएगा 3s। अब देखते हैं हमें कितने ऑर्बिटल्स ये ऑक्यूपाई करता है। 1s है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p है, इसका एटॉमिक नंबर 10 है, 1, 2, 3, 4। अब हॉर्न्स रूल, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s, 3s में है क्या यहाँ पर? नहीं, इसलिए 3s0। आप 3s0 लिख सकते हो या फिर ये स्किप कर सकते हो। सो नियॉन जो है, अगर हम देखते हैं नियॉन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट, अब ये कैसे आप देखोगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट? देखो नियॉन का न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल में है 1s, सेकंड में है 2s 2p। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में। आउटर मोस्ट यानी जो सबसे बाहर का रहेगा बैलेंस शेल, उसे हम कहेंगे आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है, इसलिए ये क्या है? स्टेबल, ठीक है? तो ये जो है नियॉन, अर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये जो एलिमेंट्स है इनका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंप्लीट है, इसलिए इनको नोबल गैस एलिमेंट या फिर जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहा जाता है, और ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं होता है। क्यों रिएक्ट नहीं होते हैं? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, तो इन्हें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, या फिर स्टेबल इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, इसलिए ये कोई भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सो बाय यूजिंग दिस जीरो ग्रुप एलिमेंट्स, या फिर ये जो नियॉन, अर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको लेकर भी हम शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो ये मैं डायग्राम आपको समझ में आया ऐसा होप करती हूँ। बट ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। मैं आपको नेक्स्ट एक शॉर्ट, आप कैसे लिख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्टकट फॉर्म में जो कि करेक्ट है, जिसके ऊपर भी मार्क मिलते हैं, वो मैं आपको एक बताती हूँ एग्जाम्पल। मान लो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। डी ब्लॉक एलिमेंट्स लाइक स्कैंडियम, टिटानियम, वैनेडियम, क्रोमियम, इनका अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल 21 नंबर का जो है वो है स्कैंडियम, इसका सिंबल है Sc। सो स्कैंडियम में 21 इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करना है,
सीक्वेंस यही है। कैसे लिखोगे आप? स्कैंडियम 21, 1s पहले आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये ज़्यादा इजी रहेगा। 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, ठीक है। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1s में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। 2s में कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। 2p में कितने आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। पहले सिंगली फिल करना, फिर पेयरिंग, ये हमेशा आपको आदत डालनी है, पहले सिंगली ही फिल करना है। अगर एक से ज़्यादा और बाटल है, जैसे पी और बाटल में पी एक्स पी वाई पी जेड है, तो पहले सिंगली फिल कर लेना पी एक्स पी वाई पी जेड में, फिर उसका पेयरिंग करना अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो। नेक्स्ट है 3s, 3s में और 2 इलेक्ट्रॉन। हम काउंट कर लेते हैं, पहले हमें 21 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 4s में आएंगे 19, 20 और 3d में आएंगे ये 21। अगर हम काउंट करते हैं, यहाँ पर 21 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए। अब ये कैसे लिखोगे आप? 1s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, 2, तो इसके ऊपर 2 लिख दो। 2s में कितने हैं? 2। 2p में कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट डाउन 6 या। 3s में 1, 2। 3p में 1, 2, 3, 4, 5, 6। 4s में 1, 2। 3d में कितने हैं? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। सो इसका कॉन्फिगरेशन हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। अगर ये आपको इतना लेंदी आपको लिखना नहीं है, तो इसका शॉर्ट मेथड ये है कि जो स्कैंडियम है, इसके पहले का नोबल गैस एलिमेंट कौन सा है, जिसका एट जिसमें आउट जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट इज एर्गॉन। अगर हम देखते हैं 21 के पहले का नोबल गैस एलिमेंट या फिर जीरो ग्रुप एलिमेंट कौन सा है? एर्गॉन। एर्गॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 18। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखते हैं, वो रहेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। देखो यहाँ पर 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 3p में अगेन 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है एर्गॉन में? 18। तो ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्यों? क्योंकि इसका आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट देखो, ये 1s, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, 6 + 2, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कम्प्लीट है, इसलिए ये स्टेबल है, इसलिए ये नोबल गैस एलिमेंट इसको कहा गया है। तो नोबल गैस एलिमेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कहाँ तक है? 3p6। तो हम यहाँ पर स्कैंडियम का शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? 3p6 तक आपको स्किप कर देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ तक है 18 इलेक्ट्रॉन्स और 18 इलेक्ट्रॉन्स ये कॉन्फ़िगरेशन है एर्गॉन का, इतना आप स्किप कर दो। आप शॉर्ट में ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हो स्कैंडियम का? स्कैंडियम 21 यहाँ तक स्किप करना, तो स्क्वायर ब्रैकेट में आप लिखो एर्गॉन और उसके बाद डायरेक्ट लिख दो 4s2 3d1, या फिर आप 3d1 4s2 भी लिख सकते हो। सिर्फ फिल करते वक्त आपको लोअर में पहले फिल करना है, देन हायर एनर्जी लेवल में। सो इसका मीनिंग क्या रहेगा कि एर्गॉन तक आप कितने इलेक्ट्रॉन आपने फिल किए? 18, फिर 19, 20 एंड 21। इस तरीके से आपने 21 इलेक्ट्रॉन जो है स्कैंडियम में फिल कर दिए, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो आप ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। सिमिलरली जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे उनका जो उसके प्रीवियस नोबल गैस जो एलिमेंट रहेगा वो लेकर आप उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। जैसे हमें लिखना है सोडियम का, सो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है 11, इसके पहले का नोबल गैस कौन सा आएगा? नियॉन। सो आप नियॉन को लेकर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। सो अब अगर हम देखते हैं कि फर्स्ट 30 जो एलिमेंट्स है उसमें क्रोमियम एंड कॉपर जो है वो एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। तो वो एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों शो करते हैं? इसलिए मैंने आपको एक रूल बताया था जो कि है स्टेबिलिटी रूल। तो हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। आप सभी स्टूडेंट को एक बार ये एलिमेंट्स की प्रैक्टिस करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की।
फर्स्ट 30 एलिमेंट्स की तो आपको प्रैक्टिस करनी ही है। सो अब हम देखते हैं क्रोमियम एंड कॉपर ये एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्यों शो करते हैं, इसके ऊपर गिव रीजन भी आता है एग्जाम में। सो क्रोमियम जो है इसका एटॉमिक नंबर है 24 एंड कॉपर का जो है उसका एटॉमिक नंबर है 29, Cu 29। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं क्या आएगा, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। 24 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं, एस ऑर्बिटल है तो वहाँ पर सिंगल ही ड्रॉ करना, पी ऑर्बिटल्स जो है तो px, py, pz, एस ऑर्बिटल है अगेन सिंगल, पी ऑर्बिटल है px, py, pz, तीन पार्ट रह गए, एस ऑर्बिटल है सिंगल, डी ऑर्बिटल है तो 5, dxy, dyz, dxz, dx² -y² एंड लास्ट वन इज dz². तो यहाँ पर हमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करना है, 24। कैसे फिल करेंगे, एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में 2 कितने हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। अगर हम देखते हैं क्रोमियम में ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था, बट ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा अगर आप क्रोमियम का लिखते हो ये रॉन्ग रहेगा। क्यों? बिकॉज क्रोमियम एंड कॉपर जो है ये एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। एबनॉर्मल यानी जो इसका एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये शो नहीं करता है। इंस्टेड ऑफ शोइंग एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिफरेंट है, एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने एक्सपेक्ट किए हैं वो नहीं है। इसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे रहेगा, देखो क्रोमियम क्या करता है, 4s से एक इलेक्ट्रॉन ही शिफ्ट करता है 3d में, 4s ऑर्बिटल से ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट कर रहा है, 3d में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा, अब देखो मैं 18 इलेक्ट्रॉन तक आर्गन यूज़ करूँगी, 1, 2 यानी 3p तक, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस मच आई विल राइट ओनली आर्गन, उसके बाद रहेगा 4s एंड 3d। तो क्या किया, 4s से एक इलेक्ट्रॉन हमने शिफ्ट किया 3d में, तो उसका अब क्या आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 4s में पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर दिया, यानी पहले 4s 2 था, 3d 4 था, अब क्या आ जाएगा, 4s 1, 3d 5। ये रहेगा इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये कम्प्लीटली फिल्ड है, स्टेबल है, अगर हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये तो स्टेबल है, हम एक इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से रिमूव कर रहे हैं फिर भी इसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब नहीं हो रही है, क्योंकि हमने स्टेबिलिटी रूल में पढ़ा था कि अगर कोई ऑर्बिटल वैकेंट है, हाफ फिल्ड है या फिर कम्प्लीटली फिल्ड है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये तो स्टेबल है ही, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद भी हाफ फिल्ड होके ये स्टेबल हो जाता है, तो बट यहाँ पर ये पहले स्टेबल नहीं थे, बट एक इलेक्ट्रॉन जब 4s से ये एक्सेप्ट करता है 3d ऑर्बिटल तो ये 3d 5 बन जाता है, यानी ये दोनों कैसे हो गए, हाफ फिल्ड। सो हाफ फिल्ड है मतलब क्या है, ये स्टेबल है। सो क्रोमियम जो है वो स्टेबिलिटी शो करने के लिए एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। टू अचीव द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पोजीशन क्रोमियम एंड कॉपर शोज एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम इसका देखते हैं कॉपर का, कॉपर में कैसे आएगा, सेम आर्गन, उसके बाद आएगा 4s 2 3d 10, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए था। क्यों, एर्गॉन में 3d 9, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए था एज इट कंटेन 29 इलेक्ट्रॉन्स, एर्गॉन में 18, 19, 20, 20 प्लस 9, 29, इस तरीके से इसका कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए था, बट ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ये इनकरेक्ट है। करेक्ट कैसे आएगा, देखो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3d में कितने हैं, यहाँ पर 9 होने चाहिए थे। अगर हम देखते हैं ये स्टेबल है, यहाँ पर स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसलिए क्या करता है, 4s अपना एक इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल से कहाँ शिफ्ट कर रहा है,
3D और बार्टल में। सो इसका एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, बट एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसका ये क्या रहेगा, एर्गॉन 4s1, 1 क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया है, 4s1 एंड 3d आएगा 10। देखो अर्गॉन में 18 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक, यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं ये हाफ फिल्ड है, ये है कंप्लीटली फिल्ड। अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी रूल हाफ फिल्ड ऑल्सो स्टेबल एंड कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल इज ऑल्सो स्टेबल। सो दोनों स्टेबल कंडीशन में है ये भी और ये भी। सो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए क्रोमियम एंड कॉपर जो है ये क्या शो करता है, एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। सो स्टूडेंट्स आज हमने देखा है कि ये कैसे हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखने हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ जो बेसिक टॉपिक है केमिस्ट्री के जो कि आपको बहुत काम में आएंगे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। तो अब अगर हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्विकली, आज हमने 4 न्यू रूल्स पढ़े हैं, दैट इज़ अबाउ प्रिंसिपल, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और स्टेबिलिटी रूल। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू।